शेप का दिख रहा होगा ब्लैक बॉर्डर में, ये जो भी आपको दिख रहा है इसी से हम लोग इसको पहचानते कि ये जो पीला पीला आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, देखिए इसका जो लाइनिंग है पीला पीला है। सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार दोस्तों। दोस्तों आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो पे स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग दो दो सांप लेके आ गए और ये दोनों सांप में हम लोग डिफरेंस भी आपको बताने वाले हैं। हम लोग बार बार कहते हैं कि सांपों को फ्री हैंडलिंग ना करें, लोग क्या करते हमारा कॉपी कर लेते हैं और सांपों को पहचान भी नहीं पाते और यहाँ सांपों को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। तो सभी लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि सांपों को विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग का फ्री हैंडलिंग ना करें, क्योंकि एक मिस्टेक से कुछ भी ऐसा हो सकता है। और इसको हम लोग निकालते हैं, देखिए कैमरा में थोड़ा सामने आके दिखाइएगा दोनों सांपों को, थोड़ा अच्छा से दिखलाइए, जो कि दिखने में एकदम करेत की तरह लगता है। गांव के लोग इसे करेत सांप समझ जाते हैं, जो कि निकला एक बैरल स्नैक और दूसरा जो कि कुकरी स्नैक, जैसा कि देख रहे हो आप लोग। ये दोनों जो कि अलग अलग घर से रेस्क्यू हुआ था और आज जो स्पेशली दोनों का डिफरेंस बताने के लिए हम लोग आ गए। लोग कहते हैं कि बहुत जहरीला ये सांप होता है कुकरी स्नैक, और इसको तो करत समझ के लोग देखते ही पलक झपकते ही मार देते। तो उन लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सांपों को ऐसा देखते हो तो मारा मत कीजिए सांपों को। हर प्रखंड में आपको स्नेक सेवर मिल जाएगा, आप लोग उसे कॉल के माध्यम से सूचना कीजिए, वो आके सांपों को सेफली रेस्क्यू करके कोई घना जंगल में रिलीज कर देंगे, जैसे कि सांप जो है अपना आगे की जिंदगी को गुजार सकेगा। आप मार दीजिएगा तो उसकी आबादी घट जाएगी, इसलिए सांपों को मारने का प्रयास मत कीजिए। और इसका जो मुख्य भोजन है कुकरी स्नैक का, जो कि छिपकिली है, ये घरों में घुस के छिपकिली को बड़ी आसानी से खा लेते। और ये जो कि बैरल स्नैक है, इसका जो मुख्य भोजन जो कि मेंढक है, और छोटे छोटे पंछी कीड़े मकोड़े तो दोनों सांप खाते हैं, और दोनों जो कि एकदम नॉन वेनमस है, बिना जहरीला। और ये दोनों सांप जो कि अंडा देने वाला सांप है, और आपको फोन के स्क्रीन में देखिए बैंडेड बोल रहा हूँ, कॉमन उल स्नैक दिख रहा होगा, उससे थोड़ा अच्छा से पहचान लीजिए। देखिए तीनों सांप एक ही लग रहा होगा आपको, और एक सांप आपको देखिए दिख रहा होगा कॉमन करत, देखिए वो भी कुछ ऐसा ही लग रहा होगा ये लोग का जैसा। तो दोस्तों सांपों को पकड़ने में भूल ना करें, कॉमन करत जो है जहरीला सांप है, और आपको और एक सांप जो कॉमन उल स्नैक दिखा है, और ये दोनों, ये तीनों जो है नॉन वेनमस, इसलिए सांपों को बिना पढ़े बिना समझे पकड़ने का कोशिश ना करें, गलती से भी प्रयास ना करें बिना समझे। लोग क्या करते हमारा नकल कर लेते, इसलिए बार बार हम कहते हैं कि नकल के लिए अकल भी चाहिए। तो पहले आप पढ़ाई में नहीं, आप पढ़ लीजिए सांप के बारे में, थोड़ा सा ट्रेनिंग कर लीजिए, फिर जाके फ्री हैंडलिंग कीजिए। और विदाउट अगर आप जानती नहीं तो उसे पकड़ने का प्रयास गलती से भी नहीं करें। देखिए कैसे लड़ेगा, दोनों काफी एग्रेसिव दोनों हैं, देखिए। और दोस्तों देख रहे हैं, तो आज जो है काफी घना जंगल है, स्पेशली दोनों सांपों का डिफरेंस बताने के लिए हम लोग आए थे। लोग कहते हैं कि दोनों सांप बहुत जहरीला है, तो ये दोनों बिना जहरीला है, आपको इसीलिए बताने के लिए आए थे। और देखिए काफी बिग साइज का कुकरी स्नैक है, क्योंकि कुकरी स्नैक इतना ही बड़ा, इससे हल्का और बड़ा मिलता है, बाकी ये तो इतना ही छोटा मिलता है, इसका साइज इतना ही रहता है 1 फीट, और ये 1.5 फीट 2 फीट तक पाया जाता है हमारा झारखंड में। और दोनों अंडा देने वाला सांप है, जैसा कि हम लोग बताए। और कुकरी स्नैक को पहचानने का तरीका आपको हम लोग बताते हैं, देखिए कितना ज्यादा एग्रेसिव है। देखिए आपको इसका हेड के सामने भी शेप का दिख रहा होगा ब्लैक बॉर्डर में, ये जो भी आपको दिख रहा है इसी से हम लोग इसको पहचानते कि ये जो कि एक कुकरी स्नैक है। देखिए इस भी से हम लोग पहचानते हैं, और इस सांप का पहचानने का तरीका देखिए, इसको जो पीला पीला आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, देखिए इसका जो लाइनिंग है पीला पीला है, व्हाइट में पीला पीला बॉर्डर आपको आगे दिखेगा तो समझ जाएगा बैरेड उल स्नैक है। और लोग दोनों को जहरीला समझते थे, ये दोनों बिना जहरीला निकला। और कॉमन उल स्नैक भी कुछ ऐसा ही प्रकार दिखते, वो थोड़ा रेडिश में रहते, ब्राउनिश कलर में। और देखिए ये यू शेप देखिए कैसा आ जाता है, सांप जब भी यू शेप में आ जाता है समझ जाइए वो डिफेंस मोड में आ गया। तो दोस्तों इसको जो हम लोग सुरक्षित इस घना जंगल में आजाद कर देंगे, क्योंकि ये काफी घना जंगल है, तो कैमरा मैन एक बार जंगल को भी दिखा दीजिएगा ना, जूम करके, बहुत दूर दूर तक जंगल है, और इधर लोगों का और घरों का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। तो ये दोनों सांप जो है
इधर आराम से सुरक्षित रह सकता है और आगे की जिंदगी को गुजार भी सकता है। तो दोनों को हम लोग सुरक्षित आजाद कर देंगे, जैसे कि दोनों आगे की जिंदगी को भी इधर गुजार सकेगा। तो कैमरामैन खड़ा हो जाइएगा, चलिए दोनों को हम लोग रिलीज कर देते हैं। जैसे ये दोनों सांप चला जाएगा, कैमरामैन लीजिएगा सांपों को जाते हुए, देखिए कैसे जा रहा है, देखिए थोड़ा जूम करके लीजिए। और बैंडेड करे, बैंडेड कुकरी स्नैक है, नहीं बैरे रूल स्नैक, जो कि चला गया देखिए। और अब जो बारी है दूसरा सांप का, इसको हम लोग अलग थोड़ा इधर रिलीज कर देते हैं। जैसे कि दोनों को एक जगह कर देंगे तो दोनों लड़ाई करने लगेगा, इसलिए कुकरी स्नैक को इधर हम लोग करेंगे। तो लीजिएगा कैमरा मैन, इसको भी जूम करके थोड़ा देखिए, ये भी कैसे जा रहा है। तो दोस्तों दोनों सांप को जो है हम लोग इस घना जंगल में रिलीज कर दिया। और ये जंगल जो है काफी घना जंगल है, इधर जो है लोग का प्रवेश करना बहुत रेयर ही रहता है, बहुत कम ही लोग उगाते हैं। तो सांप जो है अपना आगे की जिंदगी को भी इधर गुजार सकता है सुरक्षित। तो सो होप गाइस आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक करना ना भूले, और चैनल पर हमारे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाले घंटे को भी दबा दे, जैसे स्नेक से रेप्टाइल से जुड़ी जानकारी आपके फोन तक सबसे पहले आए। मिलते गाइस जल्दी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, और सांप से हमेशा दूरी बनाए रखे। और दोस्तों बिना जानकारी का सांप को भी कभी फ्री हैंडलिंग बिल्कुल ना पकड़े।